अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी, और मुझे भी पहले मालूम नहीं थी, मुझे भी रिसेंटली मालूम हो गई है ये बात, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। आपने देखा होगा कि अमूमन हम लोग स्ट्रॉबेरी का शेक बना के पीते हैं, जैसे कि मुझे भी स्ट्रॉबेरी का शेक बहुत पसंद था, और ज़्यादा लोग स्ट्रॉबेरी का शेक बनाना पसंद करते हैं, बच्चों को भी पसंद होता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी का शेक बहुत नुकसानदेह होता है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी होता है और लैक्टिक एसिड होता है, तो जब हम इसको दूध के अंदर ऐड करते हैं ना, तो ये दूध को ख़राब कर देता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हमने दूध को जब जमाना होता है या उसमें अगर खटास आ जाए तो वो दूध फट जाता है, सेम इसी तरह जब हम इसका शेक बनाते हैं तो वो दूध के अंदर जाके तो इसका जब उसके साथ रिएक्शन होता है तो वो दूध ख़राब हो जाता है। और जब हम यही शेक जब हम पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, तो ये हमारे मैदे को डिस्टर्ब करता है और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए जब भी आप लोग पिए तो हमेशा स्ट्रॉबेरी का जूस बना के पिए, शेक बना के नहीं पिए। इसलिए मैं भी आज स्ट्रॉबेरी का शेक बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। इस सिंपल तरीका है बनाने का, आपने स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरीके से धो के तो जग में ऐड कर लिया, इसमें चीनी ऐड करनी है, इसमें आपने पानी ऐड करना, और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। लीजिए, स्ट्रॉबेरी का शेक हो गया है तैयार, और आई होप कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।